नमस्कार मित्रों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम प्रकृति माता द्वारा प्रदत्त वनस्पतियों का अपने जीवन में कैसे उपयोग करें और सामान्य रोगों से बचाव तथा उनकी प्रारंभिक चिकित्सा कर सकें। इस संदर्भ में हमने पहले नंबर पर तुलसी को लिया है। तुलसी के साथ कितने व्रत, उपवास, त्यौहार जुड़े हैं आप सब जानते हैं। आप समझ सकते हैं कि हमारे पूर्वजों ने कितने समय इन पर परीक्षण किए होंगे। पहले स्वयं के ऊपर प्रयोग किया होगा, फिर उसके बाद अन्य लोगों पर, और तब जा करके ये हमारे वेद आयुर्वेद के ग्रंथों में ये सब ज्ञान आया। पीढ़ी दर पीढ़ी ये ज्ञान चलता गया, तभी हम कहते हैं कि हमारी जो ये सभ्यता है, ये हमारे विज्ञान है, अनंत काल से चला आ रहा है। और मेरा विश्वास है कि सृष्टि के अंत तक इसे कोई समाप्त नहीं कर पाएगा। तुलसी का हर भाग चिकित्सा में उपयोगी है। इसके पत्तों का प्रयोग, जड़ का, तने का तथा बीजों का प्रयोग रोगों से बचाव तथा उनकी आरंभिक अवस्था में चिकित्सा में किया जाता है। जैसे डेंगू, वायरल फीवर, नज़ला जुखाम, जोड़ों का दर्द, गुर्दे आदि की समस्याएं, सेक्सुअल डिसऑर्डर में तथा रक्त शोधक के रूप में भी किया जाता है। इसके अन्य बहुत से उपयोग तुलसी के पत्र के किए जाते हैं, अकेले अथवा विभिन्न वनस्पतियाँ मिलाकर। तुलसी के पत्तों को यदि हम काढ़ा बनाकर, बल्कि तुलसी के पत्तों का जो काढ़ा बनाया जाता है उसे हम आयुर्वेदिक भाषा में फांट कहते हैं, अर्थात जब पानी उबल रहा हो तब 8-10 पत्ते तुलसी के लेकर उसमें डाल दें और ढकना लगा दें। इसको ठंडा होने पर छान कर पिएं। गले के सर्व रोगों में ये बहुत उत्तम कार्यकारी है। इसमें यदि काली मिर्च मिला दें और थोड़ा गिलोय मिला दें तो आजकल डेंगू जैसे रोगों से बचाव किया जा सकता है, और इसका निरंतर प्रयोग करने से विभिन्न प्रकार के संक्रमण से आप सुरक्षित रहेंगे। तुलसी का एक महत्वपूर्ण प्रयोग कैंसर के ऊपर है। कुछ लोगों ने ऐसे परीक्षण किए हैं कि तुलसी के पत्तों को यदि कल्प विधि से 5 से 10 पत्ते बढ़ाते हुए 50 पत्ते तक नित्य अगर दो समय ले लें तो कैंसर से बचा तो जा ही सकता है, परंतु प्रारंभिक अवस्था में कैंसर हटाया भी जा सकता है, यानी उसको हम निरोग कर सकते हैं। जोड़ों के दर्द में तुलसी के 5 से 10 पत्तों को लेकर उसमें 3 ग्राम अजवाइन डालकर पकाएं। इसकी मात्रा भी 10 से 20 मिलीलीटर प्रातः साय भोजन के पश्चात दिया जा सकता है। शाम में जलन में तुलसी के 5 से 10 पत्तों को लेकर उसमें 2 ग्राम जीरा तथा लगभग 4 ग्राम मिश्री मिलाकर ढककर उबाल लें। इसको छानकर 10 से 20 मिलीलीटर की मात्रा में 2 से 3 बार तक दिया जा सकता है। उल्टी या वमन की अवस्था में तुलसी के पत्तों का लगभग 1/2 चम्मच रस हम 1-2 बार दे सकते हैं, इससे वमन में लाभ मिलेगा। तुलसी का एक महत्वपूर्ण प्रयोग है त्वचा रोगों में। यदि किसी को बड़े लंबे समय से त्वचा में खाज, खुजली तथा संक्रमण होता हो तो तुलसी के पत्तों का रस निकालकर उससे 4 गुना पानी मिलाएं और पानी से 4 गुना तिल तेल, यद्यपि अन्य तेलों को भी मिला करके प्रयोग किया जा सकता है परंतु तिल तेल इसके लिए सर्वोत्तम है। इस सारे मिश्रण को अग्नि पर मध्य अग्नि आँच में पकाएं, धीरे धीरे पानी को उड़ने दें। जब पूर्णतः पानी समाप्त हो जाए तो तेल को छान करके निथार लें और इसको पूरे शरीर पर मालिश कराएं, तो जो खाज, खुजली और एलर्जी जन्य समस्याएं हैं उनका समाधान होता है। तुलसी का एक प्रयोग चेहरे के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, जिससे अक्सर महिलाएं करती हैं। इसमें तुलसी के पत्तों को
इस पत्ते तक पीस करके एक लेप सा बना लें और थोड़ी सी मसूर की दाल में मिलाकर इसको चेहरे पर लगाएं। आप देखेंगे कि चेहरे की रुखता दूर होगी, चेहरे की अधिक तैलीय त्वचा है उसमें लाभ मिलेगा, अर्थात यह दोनों को बैलेंस करने में रूखी त्वचा को भी तथा तैलीय त्वचा को भी बहुत उपयोगी प्रयोग है। कई स्थानों पर तुलसी के विभिन्न प्रतिरूप मिल, अर्थात तुलसी के बहुत सारे भेद हैं। तुलसी कैम्फर बेसिल दक्षिण भारत में एक हाइब्रिड बनाया गया है जो रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट जम्मू की खोज है। इसके प्रयोग से हम तुलसी यानी बेसिल कैम्फर भी बनाते हैं, उसको हिंदी भाषा में कपूर तुलसी कहते हैं। इसके अंदर कपूर के सारे गुण विद्यमान हैं, इससे कपूर भी बनाया जाता है और उस कपूर का खाने तथा लगाने दोनों में प्रयोग करते हैं। तेल में कपूर को घोर कर मिलाकर ज़रा हल्का गर्म करके मिलाने के बाद यदि त्वचा पर लगाएं तो त्वचा की उष्मा समाप्त होती है, त्वचा स्वस्थ रहती है, उसमें निखार आता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रयोग है, सौंदर्य प्रसाधन में प्रयोग करने के लिए इसको निरंतर उपयोगी पाया गया है। तुलसी का दैनिक व्यवहार में हमने काफ़ी प्रयोग किए। अगर तुलसी की दूसरी विभिन्न वैरायटी अर्थात उसके विभिन्न भेदों को देखें तो सामान्य तुलसी को हम सेक्रेट बेसिल कहते हैं। इसमें रामा तुलसी और श्यामा तुलसी के नाम से बड़ा महत्वपूर्ण विभेद है। रामा तुलसी का जो रंग होता है वो अधिक हरापन लिए हुए होता है और श्यामा तुलसी में तना और पत्तों में कालापन आ जाता है जो विशिष्ट रासायनिक प्रक्रिया से उत्पन्न होता है। कहते हैं कि श्यामा तुलसी कुछ कार्यों में और अधिक उपयोगी है। तुलसी का जो दूसरा मुख्य प्रयोग है वो इसके तुलसी के तेल का प्रयोग है, जिसको हम यदि अपने फिल्टर में प्रतिदिन 8-10 बूंद डाल दें और परिवार का प्रत्येक सदस्य दिन भर उस पानी का सेवन करें तो बहुत से रोगों से बचाव हो जाएगा। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तुलसी के समक्ष कोई और पौधा नहीं है। इसके बीज निकाल कर सुखा कर रख लें और रात्रि में 2 से 2.5 ग्राम बीजों को कूट करके पानी में डाल दें। 8-10 गुने पानी में डालने से ये सफ़ेद रंग का पदार्थ बनेगा, उसको लोग कहते हैं कि देखिए ये वीर्य के समकक्ष है, अर्थात ये शुक्र को बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी है। और इसमें कोई संदेह भी नहीं है कि तुलसी के बीज इस मामले में यूनानी चिकित्सा तंत्र में तो बहुत अधिक प्रयोग होते हैं, परंतु आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में भी इनको काफ़ी मात्रा में प्रयोग किया जाता है। तुलसी की जो माला बनाकर और उससे नित्य अपनी दैनिक पूजा करने का जो विधान है वो भी यही है कि इन सभी द्रव्यों में अपने वाइब्रेशन होते हैं जिसको हम कॉस्मिक रेडिएशन भी कहते हैं। ये वाइब्रेशन शरीर के लिए बहुत उपयोगी हैं। जब हम निरंतर तुलसी की माला को उंगलियों के साथ घिसेंगे तो उसके प्रभाव से वो त्वचा पर उपस्थित सीबम अर्थात चिकना पदार्थ उसमें से बहुत कम अंश में उसको घोलता जाएगा तथा त्वचा के द्वारा शरीर में पहुंचा जाएगा। यह निराला बड़ा विचित्र प्रयोग है, इसे करके देखिए तो आपको बहुत रोगों से बचने में सुविधा मिलेगी। कड़वापन जो तुलसी का है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसके प्रयोग से यकृत विकार अर्थात जिगर के रोगों से बच सकते हैं, त्वचा के रोगों से बच सकते हैं। हम निरंतर तुलसी का प्रयोग पूरे वर्ष कर सकते हैं। तुलसी अक्सर एक बहुत ही सेंसिटिव पौधा है, सर्दियों के दिनों में यह ठंड सहन नहीं कर पाता, तो हमारे यहाँ विधान है कि उसके प्रतिनिधि द्रव्यों का प्रयोग हम कर सकते हैं। सूखे हुए पत्तों को रख करके उनका निरंतर प्रयोग कर सकते हैं, उनका भी उतना ही प्रभाव होगा यदि अत्यंत तेज धूप में नहीं सुखाया गया होगा। इसका कारण यह है कि तुलसी के अंदर उपस्थित जो उड़नशील तेल है वो उष्मा बढ़ते ही गर्मी बढ़ते ही उड़ना प्रारंभ हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना अत्यावश्यक है।